आज आप सबसे जनरल नॉलेज की बातें करना चाहता हूँ। आपको पता बच्चा जब पैदा होता है तो क्यों रोता है? पता है किस तरह पैदा करने आते हैं? बच्चा होता है भगवान का रूप। जब वो पैदा होता है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। आप देख लो, बचपन जो होता है बड़ों की डांट खाते खाते निकल जाता है, उसके बाद के 20 साल अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के चक्कर में निकल जाते हैं, उसके बाद के 20 साल अपनी बीवी को खुश कर रखने के चक्कर में निकल जाते हैं, और उसके बाद वाले 20 साल वो यही सोचता रहता है दुख में कि यार मैंने पिछले 60 सालों में किया क्या। तो तकरीबन जिंदगी ऐसे निकल जाती है। हर बंदे की लाइफ में चेंज कब आता है? शादी के बाद। शादी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, जिसकी भी होती है वो यही सोचता है कि अब मैं एक नई दुनिया बसाऊंगा। इस चक्कर में वो नई दुनिया बसाने में लग जाता है। कभी कभी तो ये भी होता है कि जो पहली दुनिया है उसको चलना भी नहीं आया होता, दूसरी दुनिया हाथ में ली होती है। मतलब और हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 1 साल के बच्चे को लगता है कि वो बड़ा हो गया, क्योंकि उसको पता उसके पीछे उसका छोटा भाई भी आ गया 1 महीने का, और 2 साल के बच्चे को लगता है वो बुजुर्ग हो गया क्योंकि उसके पीछे 2 छोटे छोटे भाई बहन भी हैं। तो दुनिया जो है वो बसती रहती है, बढ़ती रहती है। फॉरेन के लोगों की लाइफ इतनी ईजी क्यों है? क्योंकि उनको हमारे जैसी टेंशन नहीं कोई भी। आप देख लो, बड़ी बहन की शादी करने की उनको कोई चिंता नहीं, जिसके साथ निकल गई वही जीजा। जीजा छोड़ो, कभी आपने फॉरेन के आदमी को ये टेंशन लेके घूमते हुए देखा कि छोटे साले को नौकरी पे लगवाना? नहीं, क्योंकि छोटे साले का पता ही कोई नहीं कहाँ पे लगा हुआ है, नौकरी पे लगवाए ना लगाए। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया हमारी जिंदगी कई साल ना जो बेकार बातों में निकल जाते हैं? कभी कभी सर्दी होती ना, आदमी के पास टॉपिक नहीं होता कोई बात करने का, तो क्या बातें करेगा? अजीब सी बातें करेंगे। ये सर्दी बड़ी है इस साल तो, सर्दी ने हद कर दी, अब इसको कौन समझाए भाई? पिछले साल भी उतनी थी, पर तेरी नई नई शादी हुई थी, तुझे पता नहीं चला, तो हमारा क्या कसूर? तो अच्छा, गर्मियां आ जाएंगी तब भी यही टॉपिक, भाई गर्मी बड़ी है यार पिछले साल, मतलब इस हद तोड़ दी, मतलब गर्मी ने, मतलब ये दिल करता उतार के फेंक दू इसको। वही टॉपिक। अच्छा, पड़ोसियों ने बाहर स्कूटर खड़ा किया ना पेड़ के नीचे, वहां पे जाके बैठ के स्कूटर की सीट पे बैठ, ओह इतनी जल रही है यार, मतलब इतनी जलन तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब पड़ोसी ने नया स्कूटर लिया था, इतनी गर्मी हो रही थी। अच्छा, हिंदुस्तान में हम लोग फालतू कामों में बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। आप कभी नोटिस करना, किसी घर में बीमार दादा पर दादा पड़े ना बेचारे बहुत बुरी हालत में, उसको बीमार छोड़ के ना बाहर गली में कोई रेत का ट्रक आया उसको पीछे कराने में लगे, आंदे आंदे आंदे। ट्रक को करा रहा है आंदे आंदे, अंदर दादा बोल रहा है कमबख्त मारे मैं कब से कर रहा हूं, मेरे को जान दे जान नहीं दे रहा। फालतू की चीजें। अच्छा, हमारा अपने घर से ज्यादा ना पड़ोसी के घर पे ज्यादा ध्यान होता है। अगर पड़ोसी ने अपनी कार बेच दी ना तो बातें करते हैं, धंधा करना आता है मेरे को, पता था कार बिकेगी, एक दिन देखो अभी सोफे बिकेंगे इनके देखना। अच्छा, अगले दिन वही पड़ोसी नई कार ले आना, 2 नंबर का काम है भाई साहब। एक नंबर में एक दिन में कार आती नहीं, तो बिजली चली जाए आती नहीं, एक दिन में कार कैसे, 2 नंबर का काम है भाई साहब, चलते हैं। अच्छा, टाइम पास करने के चक्कर में ना फालतू के सवाल बड़े पूछेंगे। आप देख लो फालतू के सवाल कैसे पूछते हैं। अच्छी वाली बारात जा रही ना, और आदमी स्कूटर रोके पूछेगा, भाई साहब बारात जा रही है? दूल्हे का फूफा पी के बैठा, तो नहीं नहीं बरात नहीं जा रही है, सिकंदर ने पुरुष पे हमला किया था ना, हाँ तो उसी का बदला लेने जा रहे हैं, चलोगे? अच्छा, कोई बंदा साफ दिख रहा है सड़क पे लेके जा रहे हैं 4 लोग, तो पास बढ़ते मर गया। जो लेके जा रहा था, नहीं नहीं झूला लेने का बड़ा शौक है, झूला दिलाने जा रहे हैं। अजीब जी बात। अच्छा, आदमी शादी का कार्ड लेके आया, उसके हाथ में दे रहा साथ में डिब्बा भी, कार्ड हाथ में पकड़ के बने, अच्छा तो किस दिन की रखी शादी? आदमी कहता 50 रुपए कार्ड पे खर्चा किया, खोलो पढ़ो मरो इसको, इससे पता चल जाएगा सर। अच्छा, बिजी रहने के बड़े नए नए तरीके ढूंढते हैं ये लोग। कई बार ऐसा करते हैं ना लोग, अपना परफ्यूम लगा के ना गली में निकलते हैं, अपने आप को सूंघते जाते हैं। वो चेक कर रहे होते हैं कि परफ्यूम ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरी पर्सनल स्मेल जो इतनी स्ट्रांग है। टाइम पास। अच्छा, आप सब लोग भी अपना अपना टाइम पास किसी ना किसी तरीके करते होंगे, जैसे आज यहाँ पे कॉमेंट्स में बैठ के आप कर रहे हैं। आप में से कोई भाई मेरा ऐसी कोई बात शेयर करना चाहेगा? अच्छा, आइए जी सर। हेलो कपिल सर। हाय अमित हेयर। क्या? मैं कल्याण से कपिल हेयर। जी, जैसे आप बोल रहे थे टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, मैं जो हूँ यहाँ वहाँ कॉल लगा के रहता हूँ, रॉन्ग नंबर मिलाते रहता हूँ। अच्छा, तो वो आप ही हैं? वो क्या करते हैं फोन करके? किसी को भी रैंडमली कोई भी कॉल लग गया अगर, तो क्या बातें करते हैं? जैसे कि आधी रात को किसी को कॉल किया, 3 बजे किया, तो उसको बोलूंगा टाइम कितना हुआ है, और बोलेगा 3, बोला अभी तक जाग रहा है, सोया क्यों नहीं?
और आजकल जो है कस्टमर केयर वाले बहुत तंग करते हैं नॉर्मली लोगों को, तो उन्हें भी तंग करता हूँ मैं कॉल करके, बहुत परेशान करता हूँ। कैसे मतलब? मैं जैसे मेरे को आप कॉल करो, मान लो मैं फोन किया रात को 2 बजे उठा हुआ, हेलो, और रात को 3 बजे तक जाग रहे होते हैं आप? कभी कभी, कभी कभी, अभी टाइम पास। तो मान लो आदमी 3 बजे सोया हुआ और पी के सोया हुआ, हाँ हेलो 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 हाँ कौन? पूजा है? कौन पूजा? तेरे को काम नहीं कोई दूजा रात को 3 बजे पूजा? तो फिर क्या बोलते हैं आप, बोलिए। हेलो हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपने घर से। अरे वाह, सेम हेयर, मैं भी अपने घर से। आप फोन करिए मेरे को, मैं लड़की बनता हूँ। लड़की ने फोन उठाया, रात को 2 बजे हैं। हेलो हेलो, पूजा है? या पूजा बोल रही हूँ। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है रात को 2 बजे? मस्त मस्त एकदम। तू बता क्या कर रही है? सोच रही हूँ तेरे डैडी को फोन करूँ। रात को 2 बजे फोन करके मैं इसके पूछ रहे मैं क्या कर रही हूँ। डैडी में क्या काम है जब मैंने खुद कॉल किया है तो? अच्छा, तेरे डैडी में जो बात है तेरे में है ही नहीं। तो आप ऐसे टाइम पास करते लोगों को फोन कर करके? हाँ जी। कभी किसी पुलिस वाले का नंबर नहीं लगा गलती से? अभी तक तो नहीं लगा। अभी तक नहीं लगा? नहीं। चलो किस दिन लग गया ना तो ये बात किसी को बताएंगे भी नहीं आप। मैं टाइम पास करता हूँ लोगों से फोन करके। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो? जी सर, क्या नाम है आपका? सदेव जी। सो मैं लिखता हूँ। ओके। रैपर हूँ। अच्छा। तो मैं वैसे, मेरा ड्रीम था कि आप गाना गाए और मैं बीच में रैप करूँ। कैसे, कौन सा गाना गाऊं? जो भी, बीच में मैं रैप करूंगा। हेलो, ऊपर ही आ जाओ आप। अच्छा पाजी, हर एक का अपना अपना तरीका होता है टाइम पास करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लड़के हैं इनसे बातचीत करके पता चलता है कि लड़कों का बेस्ट टाइम पास तब होता है जब इनके साथ, इनकी कंपनी में कोई अच्छी सी ब्यूटीफुल सी लड़की हो, यू नो। Excuse me. जी? आप मुझे बता सकते हैं कि मुकुंदी लाल कॉलेज किस तरफ है? जिस तरफ भी है उसको उस तरफ रहना, तो आपको क्या लेना देना है? मुकुंदी लाल, जिस कॉलेज का नाम ही मुकुंदी लाल है, वहाँ पे करने क्या जाना है आपने? अरे मुझे वहाँ पर एडमिशन लेना है और मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ से कोई शॉर्टकट जाता है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। शॉर्टकट? मैडम शॉर्टकट, आपका शॉर्टकट तो मुझे प्रॉपर नजर आ रहा है। मुझे लगता है मुझे अपना कॉलेज खुद ही ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अरे आप इतनी नन्नी सी जान, इतनी बड़ी दुनिया कहाँ ढूंढती फिरेंगी आप? आप एक काम क्यों नहीं करती, आप 3-4 दिन इधर रुक जाइए, आराम से ढूंढ लेंगे कॉलेज। जब कॉलेज आपको ढूंढता हुआ अपने आप आ जाएगा। मैं 3-4 दिन किसी अजनबी के घर पे क्यों रुकूंगी? एक मिनट की बात सुनो, 3-4 दिन जब आप यहाँ पर रुक गई तो अजनबी कैसे हो गए? देखिए मैडम, जिधर आप जा रही ना उस तरफ बड़े बदमाश लड़के रहते हैं। व्हाट? हाँ? वो क्या क्या करते हैं आपको पता नहीं? ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, बड़े बदमाश लड़के हो। अरे अगर नहीं, अगर वो लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे ना तो मैं जोर से चिल्ला दूंगी। आप चिल्लाओगे तो वो फिर ऐसा करेंगे, आपको पता नहीं है, बड़े बदमाश लड़के। अरे मैं वैसे मुझे पहले से कॉलेज जाने में देर हो रही है, आज एडमिशन का लास्ट डे और ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो, पता नहीं क्या। एक मिनट बात सुनिए मेरी, रुको मैं कुछ करता हूँ, आप घबराए ना, आज लास्ट दिन है, मेरे को ऐप का फोन यूज कर सकता हूँ मैं? MAUCI मौसी। हेलो। हाँ मौसी, पाए लगो। कैसा है छोटा, कैसा है मौसा, कैसा है दारू पीता अभी भी क्या? हाँ अच्छा, और तेरी तबीयत कैसी है? कुछ चाहिए भाई होगा तो मेरे को बोलना मत। हाँ अब मेरे को तो खुद चाहिए रहता है कुछ ना कुछ। चल ठीक है, अब मैं आऊँगा ना दिल्ली तो आप, मैं पक्का आऊँगा। अच्छा ओके मासी, चलो ओके, किसी के फोन से बात कर पाए, ये लीजिए मैडम। अरे मुझे लगा आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने तो अपनी मौसी को फोन कर दिया। मतलब आपके चक्कर में मौसी को भूल जाऊँ मैं? आप तो मतलब अभी मेरी गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं, इतनी पोजेसिव हो गई हैं आप। देखिए आप पहले तो खुद ही बढ़ चढ़ कर मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लगा ऑब्वियसली मेरी हेल्प कर रहे होंगे ना। देखिए एक जवान नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं आपकी हेल्प करूं। आप एक काम करें, आप 1-2 घंटे तो रुक जाएं, मैं आपको खुद कॉलेज छोड़ के आऊंगा। 2 घंटे में मेरा कॉलेज ओवर हो जाएगा। कॉलेज कैसे ओवर हो जाएगा 2 घंटे में? कॉलेज है कि इंग्लिश मूवी है? 2 घंटे में ओवर हो जाएगी, ऐसे कैसे होता है?